विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है दोस्तों। मीरा भाईंदर में भी इसका असर साफ साफ नजर आ रहा है। मीरा भाईंदर की सीट जो है वो कितना महत्व रखती है, कितनी इसकी महत्वता है दोस्तों, ये इसी से समझा जा सकता है कि भाजपा के उम्मीदवार का ऐलान तीसरी लिस्ट तक भी साफ नहीं हुआ, लेकिन चौथी लिस्ट का इंतजार ही मीरा भाईंदर को चर्चा का विषय बना गया। अब मीरा भाईंदर में इस चुनावी मैदान में कई उम्मीदवारों के बीच भिड़ंत होने वाली है दोस्तों। इनमें से सबसे ज्यादा चर्चा का विषय कौन है? चार उम्मीदवार हैं। चुनाव में असली नायक की भूमिका अगर कोई निभाती है तो वो जनता होती है, यानी आप। तो ऐसे में आपके लिए जानना जरूरी है दोस्तों कि किस उम्मीदवार का बैकग्राउंड क्या है, यानी वो किस बैकग्राउंड से आते हैं। आपको इस खबर में बताएंगे वो पूरा ब्यौरा जो उन्होंने खुद चुनाव आयोग को दिया है। इसलिए आखिर तक दोस्तों इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं एमबी लाइव। 2009 से 2014 तक हो सकता है दोस्तों कि मीरा भाईंदर 145 ये जो सीट है इस पर एनसीपी के गिलबर्ट मेंडोसा विधायक थे, शायद इसलिए इस पर विपक्ष यानी अभी फिलहाल विपक्ष में जो जो पार्टियां हैं उनका होल्ड जो है वो बताया जा सकता था, खासकर एनसीपी का अगर आप कहेंगे। लेकिन 2014 के बाद इस सीट का होल्ड बीजेपी के पास गया और अभी भी वही असर नजर आता है। मगर 2019 में दोस्तों इस सीट पर फिर इतिहास बदला और एक अपक्ष उम्मीदवार ने वर्तमान बीजेपी विधायक को तकरीबन 15,000 मतों से हार का मुंह दिखाया। मैं बात कर रही हूं नरेंद्र मेहता और गीता जैन की दोस्तों। नरेंद्र मेहता यानी पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता, इनको गीता जैन ने लगभग 15,000 से ज्यादा मतों से हराया था। ऐसे में अब क्या वो इतिहास दोहराया जाएगा, क्या इतिहास बदलेगा, क्या रिकॉर्ड टूटेगा? क्योंकि इस सीट के बारे में अगर बात करेंगे दोस्तों, इस सीट पर जैसा हम इससे पहले भी कई आपको एंकर शूट पे बता चुके हैं कि किस तरीके से ये जो पूरी सीट है दोस्तों ये अपना महत्व रखती है, राजस्थान के पैटर्न पर चलती है, एक उम्मीदवार वापस से रिपीट नहीं होता। लेकिन क्या इस बार इतिहास बदलने जा रहा है, क्या रिकॉर्ड टूटने जा रहा है, ये सवाल खड़े हो रहे हैं दोस्तों। इस सीट पर मुकाबला हमेशा से ही दिलचस्प रहा है, ये इससे समझा जा सकता है कि एक बार फिर जो स्थिति 2019 के चुनाव में थी वही स्थिति 2024 में भी आकर फिर से बन चुकी है। महाविकास आघाड़ी से दोस्तों मुजफ्फर हुसैन, बीजेपी से नरेंद्र मेहता और अपक्ष उम्मीदवार के तौर पर वर्तमान विधायक गीता जैन, इन तीनों के बीच टक्कर का मुकाबला होने वाला है। हालांकि इस सीट पर कौन अपनी जीत का परचम लहराएगा यह अभी पता नहीं चलेगा। जिन उम्मीदवारों की बात हो रही है दोस्तों, उन्होंने नामांकन के वक्त चुनाव आयोग को अपने हलफनामे यानी एफिडेविट के जरिए क्या जानकारी दी है, यह आपके लिए जानना जरूरी है तो आपको बता देते हैं। इस हलफनामे में संपत्ति से लेकर वो टैक्स कितना भरते हैं, शिक्षा कितनी है उनकी, उम्मीदवार पर दर्ज केसेस कितने हैं, ये सारा ब्यौरा इस एफिडेविट में शामिल है। जो एफिडेविट यानी जो हलफनामा चुनाव आयोग को उन उम्मीदवारों की तरफ से नामांकन के दौरान दिया गया है। तो शुरुआत करते हैं महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार, कांग्रेस के बड़े नेता मीरा भाईंदर के कांग्रेस के वरिष्ठ दिग्गज नेता दोस्तों मुजफ्फर हुसैन से, जिनकी उम्र है 58 साल। इनकी संपत्ति की अगर बात की जाए तो इनकी चल संपत्ति जो है वो 67,64,45,300 है, अचल संपत्ति है 6,71,83,965। कुल संपत्ति अगर बात की जाए 74,36,29,265। शिक्षा में अगर आप बात करेंगे इनकी तो इन्होंने बीकॉम किया हुआ है। दर्ज मामले की अगर इन पर बात करेंगे तो इनके ऊपर जैसा हलफनामे में है एक ही मामला इनके ऊपर दर्ज है। इसके बाद दोस्तों आते हैं पूर्व विधायक और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नरेंद्र मेहता पर। इनकी उम्र है 52 साल, चल संपत्ति है 45,78,36,596, अचल संपत्ति है 71,12,118, कुल संपत्ति है 46,49,48,714। शिक्षा में या 8वीं पास हैं। बात की जाए इन पर दर्ज मामलों की तो इन पर कुल 18 मामले दर्ज है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गीता जैन की। इनकी उम्र है 60 वर्ष। गीता भरत जैन की चल संपत्ति की बात की जाए दोस्तों तो 4,75,58,285, अचल संपत्ति है 85,51,000, कुल संपत्ति है 5,61,09,285। इनकी शिक्षा की बात की जाए दोस्तों तो HSC है
और DMLT यानी डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी इन्होंने ये किया हुआ है। बात की जाए मनसे से उम्मीदवार संदीप राणे की तो इनकी चल संपत्ति है 61,27,526, अचल संपत्ति है 2,36,64,700, कुल संपत्ति है 2,97,52,226, उम्र है इनकी 55, शिक्षा में ये है चौथी पास, मामला दर्ज है इनके ऊपर 2। इस जानकारी के बाद दोस्तों आपको ये तो देखिए पता चल ही गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि किस उम्मीदवार का राजनीतिक बैकग्राउंड से लेकर व्यक्तिगत बैकग्राउंड तक क्या हाल है। अगर इस चुनाव में शिक्षा, भ्रष्टाचार, विकास और दाग मुक्त नेता आप सबके लिए अगर यही मुद्दे होने वाले हैं दोस्तों, तो आपको क्या लगता है इन उम्मीदवारों में से कौन आपकी उम्मीदों पर खरा उतर सकता है, कौन आपकी समस्याओं का समाधान कर सकता है, कौन आपकी बात कर पाएगा, आप दाग मुक्त नेता चाहते हैं या नहीं, कौन सा नेता आपको लूटेगा या कौन सा नेता नहीं लूटेगा, आपकी राय क्या है, हमें आपकी राय चाहिए, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।